दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजेश जैन इस चैनल पे काफ़ी नई नई इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियोस लेके आता हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। इसी सीरीज़ में मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 प्रोडक्ट आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा, जो आप उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का सोच सकते हैं इंडिया से। काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। मैं आपको उस प्रोडक्ट्स के बारे में और वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, कहाँ से आप उनको प्रोक्योर कर सकते हैं, इस बारे में बताऊंगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस चैनल पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ फ्रेंड्स बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी मेरी नई स्पेशल वीडियोस आती हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट आइडियाज फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो पहले चलते हैं। पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, हैंडमेड पेपर एंड प्रोडक्ट्स। ये पहला प्रोडक्ट है जो काफ़ी सस्टेन किया है वर्ल्ड में, जो कि बहुत टाइम से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है और आज भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि हैंडमेड पेपर जो बनता है फ्रेंड्स, वो जो वेस्ट टेक्सटाइल्स होते हैं, वेस्ट कॉटन की जो कतरने होती हैं, जनरली उनसे बनता है, उनकी लुगदी बना के बनता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि क्लाइमेट के बारे में कितनी बड़ी बड़ी चर्चा चल रही है वर्ल्ड में, तो उन सब बातों को समझते हुए जो रिच कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड पेपर और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम हैंडमेड पेपर की बात करें तो ये काफ़ी साइजेस में आता है, पूरी शीट्स आती हैं और ये प्योरली हैंडमेड होता है। बहुत वैरायटी होती है इसकी, उसके अंदर आपके रोज पेटल और कई कई तरह की चीज़ें डाल के उसमें नए नए टेक्सचर क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स क्रिएट किए जाते हैं। और ये सारा का सारा जो रॉ मटेरियल होता है, ये काफ़ी ऑर्गेनिक होता है, रिसाइकल्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इस पेपर की। तो इससे बने प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे नोटबुक है, डायरीज हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, गिफ्ट बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और बच्चों की हॉबी किट्स भी बना के आप बेच सकते हैं। आपकी कितने इनोवेटिव आपके पास आइडियाज हैं, डिजाइनिंग के आइडियाज हैं, उनको आप यूज करके कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को बनवाना मुश्किल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो मेन लोकेशन है प्रोडक्शन की, वो सांगानेर में होती है, जयपुर में। इसमें काफ़ी घर घर में बनता है ये, तो आप किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से सांगानेर में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांगानेर में बनता है, और भी इसके कुछ सेंटर्स हैं, पर सबसे बड़ा सेंटर जो है सांगानेर है। इसको आप एज ए वॉलपेपर भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हैंडमेड पेपर की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको जो आइडिया दिया है, इस आइडिया को मैं 10वें स्थान पर रखूँगा। 9वें स्थान पर जो मैं आपको आइडिया बताने जा रहा हूँ वो है ग्लास एंड रोट आयरन के कम्बिनेशन के शो पीसेस, यानी कि ग्लास, कलर्ड ग्लास और रोट आयरन इस्तेमाल करके बहुत ही एग्जोटिक शो पीसेस, लैम्प्स टाइप की चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर जो रोट आयरन है और ग्लास का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही वैरायटी मिल जाती है, एंटिक लुक होती है, एग्जोटिक होती हैं ये पीसेस कलर ग्लास और रोट आयरन के, और काफ़ी इनोवेटिव डिजाइन आप इसमें बना सकते हैं। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स के रूप में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन का मेन एरिया है इंडिया में, वो फिरोजाबाद है यूपी में, जो कि आगरा के पास पड़ता है। ये जो जगह है फिरोजाबाद, आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डिजाइन का आइडिया लगेगा। आप अपने खुद के डिजाइन बनवा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो आप इन डिजाइन को बना के, उनकी पूरी कैटलॉग बना के, फोटोग्राफी करके
आप अमेजन ग्लोबल सेलिंग पे इंटरनेशनली बेच सकते हैं, एटसी पे बेच सकते हैं यूएस मार्केट में, और भी बड़ी मार्केट्स में बेच सकते हैं, शॉपिफाई पे बेच सकते हैं, ईबे पे बेच सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा आइडिया है और काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरह इसको सेल किया जा सकता है, डिजाइन अगर आपके अच्छे हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, एग्जोटिक ब्रास प्रोडक्ट्स इंडिया में पहले भी बनते आए हैं और आज भी बन रहे हैं, और इनकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ रही है। ब्रास के शो पीसेस की, उनके बड़े एग्जोटिक चीज़ें बनती हैं, बहुत बड़ी वैरायटी है इनकी, पूजा आइटम्स भी होते हैं, फिगराइंस भी होते हैं। तो आपको अपने खुद की डिजाइनिंग करके उसको मैन्युफैक्चर कराने में ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा आपको। तो इनकी डिमांड यूरोप में, स्पेशली इटली में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इटली में काफ़ी बड़े इंपोर्टर्स बैठे हैं, उनको नॉलेज भी अच्छी खासी है। आप अपने डिज़ाइन पे इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, अमेजन ग्लोबल सेलिंग पे या इट्सी पे या शॉपिफाई पे या ईबे पे, इन जगहों पे आप बेच सकते हैं। और ऐसी जगहें यूरोप में जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आता है, जैसे बुदापेस्ट हंगरी में, ऐसी और भी जगहें हैं, प्राग है चेक रिपब्लिक में। तो इन जगहों पे जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आता है, यूरोपियन टूरिस्ट भी आता है, यूएस टूरिस्ट भी आता है, वहाँ पे इस चीज़ें काफ़ी अच्छी मात्रा में बेची जा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बड़ी स्पेशल फ्लोर रग होती है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, जिसको शनाइल रग बोलते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप इसको एज ए प्रेयर रग बेचें, शनाइल को, इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है प्रेयर रग का, जो आपको बड़ी इजीली मालूम पड़ जाएगा, और ये प्योर कॉटन की होती है। तो इसके काफ़ी अलग अलग साइजेस आप बनवा सकते हैं, पर प्रेयर के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर साइज बनवाना पड़ेगा। और इसको आप इस्लामिक कंट्रीज, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई, यूएई हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, ऐसी जगह पे आप इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका आपको इसी नाम से ITCHS कोड भी मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि यह आइटम काफ़ी एक्सपोर्ट हो भी रहा है ऑलरेडी। और इसका जो मेन प्रोडक्शन एरिया है वो हाथरस है, बाकी कुछ जगहों पे और भी बनता है, पर हाथरस में इसकी काफ़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये हैंडमेड तरीके से बनता है, यूपी में हाथरस है, आगरा के पास। सो फ्रेंड्स, छठे नंबर पे मैं जिस प्रोडक्ट को आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है कॉटन अंडरगारमेंट्स। काफ़ी स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, पर बड़े अच्छे तरीके से इसको आप स्टडी करके, रिसर्च करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया इज़ वेरी वेरी कम्पिटेटिव इन कॉटन क्लोथिंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रॉ कॉटन होती है, रॉ मटेरियल होता है कॉटन का, वो चाइना से 10% सस्ता है इंडिया में। तो आप अगर इसको ठीक से करें तो आप कम्पिटिटिव हो सकते हैं चाइना के मुकाबले अंडरगारमेंट के मामले में। और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, अंडरगारमेंट की नॉलेज, डिज़ाइंस, कंफर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उन चीज़ों को समझ लें तो आप प्रीमियम भी ले सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, और पूरे वर्ल्ड में इसको बेचा जा सकता है ऑब्वियसली, एंड मैन वुमेन दोनों के लिए आप अंडरगारमेंट्स बना सकते हैं। इसमें रिटेल पैकिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो आप किस तरह की रिटेल पैकिंग करते हैं आगे बिकने के लिए, उसको किस तरह से आप फैंसी बनाते हैं, उन सब बातों पे भी डिपेंड करता है। और अच्छी क्वालिटी की अंडरगारमेंट्स की बहुत बड़ी डिमांड निकल सकती है कॉटन के, प्योर कॉटन की, और प्रीमियम प्राइसेस भी आप ले सकते हैं। इनके जो मेन प्रोडक्शन एरियाज हैं जहाँ से आप ये माल बनवा सकते हैं, तिरुपुर है तमिलनाडु में, या लुधियाना है पंजाब में, जहाँ पे होजरी का बहुत काम होता है। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। पांचवें नंबर पे मैं अगर आपको प्रोडक्ट आइडिया शेयर करना चाहूँ तो मैं बताऊँगा आपको कि लाइट होम यूटिलिटी एंड एक्सेसरीज। अब ये यूटिलिटी एंड एक्सेसरीज क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि घरों में एक छोटी बड़ी कई तरह की लैडर्स होती हैं, स्टेप लैडर्स होती हैं, फोल्डिंग टाइप की, देखा होगा आपने। और इस तरह के बहुत सारे एल्यूमिनियम, रोट आयरन, प्लास्टिक डिजाइनिंग के आइटम्स को आप डिजाइन कर सकते हैं, जो कि यूटिलिटी की तरह है। और घर के अंदर जो पूरी दुनिया में जो हाउसिंग है बहुत छोटी होती आ रही है, तो उसको पूरा यूटिलाइज करने के लिए लोगों को कुछ इस तरह के छोटे छोटे यूटिलिटी आइटम चाहिए होते हैं, फोल्डिंग टाइप के, जो कि उनको पूरे घर में किसी भी लेवल पे और किसी भी डायरेक्शन में एक्सेस उनके लिए इजी हो जाए, जिससे वो अपने छोटे घर को पूरा फुल्ली ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ये
रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में आ रही है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हांगकांग जैसी जगह में अफोर्डेबल हाउसिंग को बोलते हैं जो 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स होते हैं, तो 300 के भी होते हैं, 200 के भी होते हैं। तो आप सोचिए कि 200 स्क्वायर फीट के अंदर तो एक कमरा भी नहीं बनता और वो पूरा पूरा फ्लैट बना के वहां पे दे देते हैं। तो इतने छोटे घर के अंदर उनको हर क्यूबिक स्क्वायर फुट को यूज करना है, उसके लिए उनको इस तरह के यूटिलिटी आइटम्स की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें आप फोल्डिंग चेयर भी बना सकते हैं, गार्डन फर्नीचर भी बना सकते हैं, और क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे बेचेंगे तो इसके अंदर आपको लेमिनेट और उसके ऊपर जो पाउडर कोटिंग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की करनी पड़ेगी। इसकी नॉलेज आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छी खासी नॉलेज लेनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम, रोट आयरन, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल इस्तेमाल करके आप ये चीज़ें बना सकते हैं। तो आपको खुद के बड़े इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे। किस टाइप के आप डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन का गेम है सारा ये, और आप उन डिज़ाइंस को पेटेंट भी करा सकते हैं। पेटेंट कराने में आपके प्रीमियम प्राइस मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं चार नंबर पे जिस प्रोडक्ट को रखना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, वो है ऑर्गेनिक फूड, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और भी मसाले भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑर्गेनिक फूड में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट्स इफ एक्सपोर्टर इज एबल टू गेट रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स। ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो परचेजर है उसको ये पता चलना चाहिए एकदम फुल सेटिस्फेक्शन के साथ कि जो वो चीज़ खरीद रहा है वो वाकई में ऑर्गेनिक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसकी मार्केटिंग करना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में पॉसिबल है, इंडिया में लेबर सस्ती है और एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके अंदर ट्रेनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो आपके पास स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर होंगे उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू बी वेरी मच अपडेटेड। जो भी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में और किस तरह से फार्मिंग की जाती है, उनकी टेक्निक्स क्या हैं, वो आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तीन नंबर पे मैं जिस प्रोडक्ट को रखूँगा आज इस सीरीज के अंदर, वो है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। अगेन, ये काफ़ी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है, डिज़ाइन बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्वालिटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा हब है हैंडमेड ज्वेलरी का, तो मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल हैंडमेड ज्वेलरी यहाँ पे बनाई जा सकती है। हैंडमेड ज्वेलरी की बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो प्रीशियस ज्वेलरी है इंडिया से, वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट की जा सकती है, और इसमें डिज़ाइन स्किल्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और आप आर्टिजन के साथ कैसे डील करते हैं, उनसे किस तरीके से ऑथेंटिक चीज़ बनवा पाते हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। इसके अंदर इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें बनती हैं, आप भी जानते हैं ज्वेलरी इंडिया में बनती है, आपको अच्छे अच्छे आर्टिजन्स के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में बीकानेर में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट मिल जाते हैं, आर्टिजन्स मिल जाते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, उनका ये काम है। ऐसे और भी जगहों पर हैं फ्रेंड्स। दूसरे स्थान पे मैं जिस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आइडियाज को रखना चाहूँगा, उसको देखिए, ये वो है कि एंटीक लुक वुडन फर्नीचर। बहुत इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, स्पेशली रिच मार्केट्स में, डेवलप्ड नेशंस में। हैंडमेड एंटीक लुक फर्नीचर आप बनवा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसकी लोकेशन अगर आप इंडिया में जानना चाहें तो सहारनपुर इसकी एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, जहाँ पे भांति भांति के एक्सपोर्टेबल वुडन फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो सहारनपुर जो यूपी में है, आप वहाँ पे अगर विजिट करेंगे तो आपको दिखेंगे कि काफ़ी वहाँ आर्टिजन्स हैं, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, इनोवेटिव डिज़ाइन से आप ये चीज़ें बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले स्थान पे मैं एक चीज़ रखना चाहूँगा जो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, पर इंडिया में ये ऑलरेडी हो रहा है और ये डूएबल है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ये सारे असेंबली बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाए सकते हैं, जो इंसान की डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और आप मटेरियल को, और
काफी जो रिच मार्केट हैं जैसे जापान जापान वगैरह में, और इस तरह की और भी कुछ रिच मार्केट्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंसेस की बहुत डिमांड है। तो अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, इसकी अच्छी खासी नॉलेज करते हैं, तो इसके अंदर मार्जिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको काफी अच्छे खासे प्रीमियम पे बेच सकते हैं और बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। और इंडियंस इस मामले में, इंजीनियरिंग इंडिया में बहुत बढ़िया है, लोग R&D में काफी इंटेलिजेंट है इंडिया में, तो आप ये चीजें बना सकते हैं। रॉ मटेरियल कैन बी इजिली इम्पोर्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए आप रॉ मटेरियल इजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वाली वीडियो में, आज की वीडियो में मेरा जो मेन एम था वो ये था कि मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज के बारे में बताऊं जो आपको एक्सपोर्ट्स सेटअप करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होंगे, पर मैंने उनको बताया क्योंकि उनकी डिमांड है आज की तारीख में। मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स आज भी बहुत सेलेबल हैं। ये मैंने जितने भी प्रोडक्ट बताए हैं, ये स्मॉल एक्सपोर्टर्स, मीडियम साइज एक्सपोर्टर्स के लिए यूजफुल है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकती हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, कारें भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, बसें भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल एंड मीडियम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए मैंने ये प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए हैं, और जो नए स्टार्टअप हैं एक्सपोर्ट के अंदर, जो न्यू एंट्रेंट है, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे समय समय पे लाता रहता हूं। तो आपको सारी इन वीडियोस के बारे में जब भी वो आती हैं इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और बेल बटन जरूर दबाएं, उसको ना भूलें। धन्यवाद।